मल्होत्रा बोले, भाजपा के इशारे पर मुझे किया जा रहा है टारगेट, चाहे जितने सितम कर ले प्रशासन, मैं झुकूंगा नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। खबर करहल से है, जहां पर शुक्रवार को हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए अपने भाषण में कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहा हूं, इसलिए प्रशासन मुझे टारगेट कर रहा है। मैं सिलपुरी पंचायत का सरपंच भी हूं। करहल जनपद के 52 पंचायतों में से इकलौता सरपंच हूं जो पंचायतों में स्वयं काम करवाता हूं, जबकि अन्य 51 पंचायतों में ठेकेदार और सचिव के मिलने वाले काम करते हैं। फिर भी मेरी सिलपुरी पंचायत की जांच करवाई जा रही है, साथ ही मुझे अन्य तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के पीछे यही वजह है कि मैं इनके आगे घुटने टेक दूं। मगर सीधे शब्दों में समझ ले सरकार, आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं डरूंगा और झुकूंगा नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन करूंगा। राम निवास तो अपने पेट्रोल पंप, दुकानें और कॉलेज को बचाने के चक्कर में बीजेपी में शामिल हुए और निजी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ 2 महीने के मंत्री हैं, उपचुनाव में हम इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरी शिकायत करी थी, मैं वर्तमान में सिलपुरी पंचायत से सरपंच हूं और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूं। मेरा पूरा पेमेंट रोकवा दिया। जब जांच कराई गई तो पूरे काम मौके पर धराधर पर पाए गए, मेरे काम पूरा सीमेंट खोद काम करने गए, इसके बाद भी मेरा पेमेंट रोक दिया गया। पूरा 52 पंचायत है, इसमें मैं अकेला आदिवासी सरपंच में काम करता हूँ, उसमें बाकी सरपंचों की बेचारे सब सेक्रेटरी और वो ठेके पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कोई सरपंच गरीब काम करता है उसको परेशान करने का काम किया जाता है। और आपने देख लिया, अभी जो मंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस से पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, भाई बहनी की फजी होने वाली है। अभी जो पूर्व विधायक होने भी बरामद कर दिए, वो लोग भी उनका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको 6 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, इसके बाद भी पार्टी से गद्दारी करके अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी दुकानों के बचाने के लिए, अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, अपनी कॉलेज को बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उस पर केस लगवा देंगे, उसके पेमेंट को रोक देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ तोड़ दो, पेमेंट मत होने दो, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेके गांव गांव पैदल चल के और सड़कों पे आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने के तैयार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व बहुत दमदार है, गरीबों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं क्या किया गरीबों के लिए, पूरा सब कांग्रेस की देन है। देश की आजादी में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, बीजेपी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही उसमें। तो साथियों, आपने एक जो 2 महीने में चुनाव होने वाला है, पार्टी जिसको टिकट देगी कोई भी भाई को देगी, कोई कार्यकर्ता हो चाहे विजयपुर का हो, करान सोपुर का हो, उसके लिए जिताने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो साथियों, आपको बदला देना है, और जैसे 2 महीने के मंत्री हैं उनने करके भारत पद से इस्तीफा भी नहीं दिया, जब कांग्रेस के विधायक थे जब ही उनको मंत्री बनाया, इसलिए 1 घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको डर है बहुत बड़ा। तो साथियों, जनता से कोई बड़ा नहीं है, जैसा जनता निर्णय देगी उस पर हम लोग सभी पार्टी आपके सुख दुख में, आपके हक अधिकार की लड़ाई होगी, जो भी जल जंगल जमीन मान सम्मान बिजली लाइट सड़क किसानों की समस्या सबके लिए हम लोग लड़ेंगे। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला ही, आपको पता है 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई मिला का कुछ रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिला। लाडली बहना को ही झुंझुना पकड़ा दिया, उससे आपसी बना दिए, क्या होता उससे लाडली बहना से। जब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी 8,500 रुपए की घोषणा करी थी 1 महीना की। तो साथियों, हमें कांग्रेस के लिए काम करना, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार ही देश में बनेगी। आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए किसी जिले का और सोपोर जिले की कांग्रेस कमेटी बनानी विजयपुर की। हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेताओं की उनके
पार्टी के लिए।